Hello students, today we learn standard 4th English grammar lesson number 11 degrees of comparison. Ab degrees of comparison kya hai? An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. Adjective of quality hai wo apna form change karti hai. Kab? Jab ek noun ki dusre noun ke sath comparison हो रही हो, it is called the degree of comparison of an adjective. उसको बोलेंगे हम degree of comparison of an adjective. अब now there are three degrees of comparison of an of adjective. Three degrees हैं. तो उसमें first है positive degree, second है comparative degree and third है superlative degree. Now number one, positive degree. When we use positive degree, when we want to simply describe a person or a thing without making any comparison, हमें सिर्फ नाम को describe करना है, किसी की comparison means दो लोगों की या दो person की हमें comparison नहीं करनी है, सिर्फ हमें नाम को describe करना हो, then we use the positive degree, तब हम positive degree use करते हैं. For example, this is an old car. अब यहाँ पे एक ही नाम, एक ही कार की बात हो रही है, उसके साथ किसी की comparison नहीं हो रही है, सिर्फ कार को describe किया है old words. This is an old car. तो यहाँ पे सिर्फ उसको describe किया गया है, उसके साथ किसी की comparison नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे positive degree use की है. Now two number, comparative degree. Comparative degree क्या है? When we want to compare two person or thing, we use the comparative degree. जब दो चीजों की या दो लोगों की हमें comparison करनी हो, तब हम comparative degree use करेंगे. जैसे कि यहाँ Rahul is taller than Ajay. अब यहाँ दो लोग, दो boy, Rahul and Ajay. इन दोनों में comparison हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे comparative degree को use किया है. जब comparative degree use होती है, तब sentence में या form में क्या changes आते हैं? जैसे कि यहाँ tall है, उसका हो गया taller. तो tall में पीछे add हुआ er. तो जब comparative degree होगी, तो mostly word में पीछे er add होगा और word than भी sentence में साथ में आएगा. er plus then, ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं, then means वो कंपेरेटिव डिग्री है. Now third degree is superlative degree. अब superlative degree क्या है? When we want to compare more than two person, एक दो से ज्यादा, more than two person और thing, दो से ज्यादा लोगों या चीजों की हमें कंपेरिजन करनी हो, we use the superlative degree. तब हम superlative degree को use करते हैं. तो यहाँ पे या तो दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी, या कोई ग्रुप या क्लास की बात हो रही है, उसमें से कंपैरिजन करनी होगी, तब superlative degree आती है. जैसे कि यहाँ his house is the biggest of all. उसका जो घर है वो सबसे biggest है. अब यहाँ सबसे word आया, that means सब में से उसका house है वो biggest है. अब जब superlative degree आएगी, तब form में क्या change होगा? तो सबसे पहले तो जो भी एडजेक्टिव है उसके आगे द ऐड होगा और एडजेक्टिव में पीछे ईएसटी वर्ड ऐड होता है. तब जब हमें सेंटेंस में द और एडजेक्टिव वर्ड में पीछे ईएसटी ऐड हुआ दिखे, तब वो कौन सी डिग्री है? वो सुपरलेटिव डिग्री है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फॉर्मेशन रूल्स, तो क्या रूल्स रहेंगे? तो फर्स्ट, मोस्ट एडजेक्टिव. मोस्ट एडजेक्टिव क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में पीछे ईआर ऐड होता है, जैसे कि टॉल का हो गया टॉल. सुपरलेटिव डिग्री में पीछे ईएसटी ऐड होता है, तो टॉल का हो गया टॉलेस्ट. नाउ सेकंड, इफ द नाउन एंड इन ई, अगर नाउन ई से ऐड हो रहा है, जैसे कि यहां ऐड हो रहा है लार्ज में पीछे ई, तो उसमें सिर्फ आर ऐड होगा, लार्ज का हो गया लार्ज. यहाँ ऐड किया हुआ आर, और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी ऐड होगा लार्ज.
वाई, वाई से कोई नाउन एंड हो रहा है बट वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, जैसे कि यहाँ एस कॉन्सोनेंट है, तब क्या होगा? वाई को रिप्लेस करके कंपेरेटिव डिग्री में आई आर एड करना है और सुपरलेटिव डिग्री में आई एस टी एड करना है, जैसे कि यहाँ इजी का हो गया इजियर और सुपरलेटिव डिग्री में हो गया इजिएस्ट। नाउ नेक्स्ट, इररेगुलर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कुछ जो फॉर्म होते हैं वो इररेगुलर होते हैं, जैसे कि यहाँ के अगर गुड पॉजिटिव डिग्री है तो गुड, कंपैरेटिव डिग्री है तो बेटर एंड सुपरलेटिव डिग्री है तो बेस्ट। उसी तरह से कुछ वर्ड्स में कंपैरेटिव डिग्री में आगे मोर ऐड होगा और सुपरलेटिव डिग्री में आगे मोस्ट ऐड होगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंट का हुआ मोर इम्पोर्टेंट और सुपरलेटिव डिग्री में हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन सिलेबल वर्ड, अगर कोई वर्ड है वो वन सिलेबल वर्ड है, दैट मींस वन सिलेबल वर्ड मींस क्या, वन वोवेल बस वन कॉन्सोनेंट, कोई वर्ड जो वन वोवेल और वन कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, जैसे कि यहाँ मैं वर्ड मैंने लिया है रेड, इसमें वन